उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। आज अपने गांव में वोट डालने के लिए आए और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह का माहौल है। यहाँ जो है जो अभी जो है इनके द्वारा वोट डाला गया और बाहर निकले, अभी हम इनसे बात करते हैं। मंत्री, आपके द्वारा वोट डाला गया, किस तरह का माहौल है, अब क्या है? देखिए, हमने अपने वोट को कास्ट किया है और मुझे यकीन है कि ये देश की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सब लोग वोट करेंगे और देश में फिर से इस सकारात्मक दिशा में चलने वाली, विकास को आगे रखने वाली सरकार को हम सब लोग मजबूत बनाते हुए मोदी जी की सरकार को फिर एक बार हम सब लोग चुन करके लाएंगे। भाजपा प्रत्याशी के विरोध में तमाम ब्राह्मण सभाएं हुई, छत्री सभाएं हुई, तमाम लोगों के द्वारा विरोध किया। आपके गांव में भी आज कुछ लोगों ने कहा कि हमने आज तक सांसद को नहीं देखा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार के कार्यों के माध्यम से हम हर एक वर्ग तक पहुंचे हैं और ये संभव होना कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव तक वो समय समय पे पहुंच सके, उससे ज्यादा हमें प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि जब हमारा जरूरत के समय हमारे साथ में, हमें जब सरकार की आवश्यकता हो तो सरकार हमारे साथ में खड़ी हो। और हमारी सरकार, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, हर एक व्यक्ति के अच्छे में और बुरे में हमारी सरकार, मैं स्वयं, हम सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम करते हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। तो झांसी में पांचवें चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा का अचूक घेरा बनाया गया है। वहीं वाहनों का रूट प्लान भी तैयार किया गया है, जिसको समय आने पर लागू किया जाएगा। में पांचवें चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर झांसी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 26 अप्रैल से 3 मई तक झांसी में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है और काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अन्य थानों के पुलिस बल है वहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक प्रत्याशी के साथ में 5 लोग अंदर जाने की अनुमति है, वहीं अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी है तो वह अपने साथ 10 प्रस्तावकों को लेकर अंदर जा सकता है। हमारे साथ में एसपी सिटी साहब मौजूद है। जैसा आप देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से जो भी नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएंगे उनकी एंट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर लगाए हुए, चेकिंग फ्रिस्किंग की भी व्यवस्था कराई गई है। और जो कलेक्ट्रेट के चारों तरफ हम लोगों ने जो भी रोड इनकमिंग रोड है सब पे हम लोगों ने बैरियर लगाए हुए हैं और फोर्स जगह जगह लगाया हुआ है। जरूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और हम लोग सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था की हुई है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि अंदर जो गेट नंबर 2 के अंदर जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके साथ, कैंडिडेट के साथ 4 प्रस्तावक जाएंगे तथा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ 10 लोग प्रस्तावक के रूप में जा सकते हैं। ये थे हमारे साथ में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने बताया है कि झांसी में जो नामांकन प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए झांसी की पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद बनी हुई है। कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। गाजियाबाद के लोनी में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता यशपाल कसारा ने और वोटरों से बातचीत भी की है, देखिए। 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी आज मतदान सुबह से शुरू हुआ और लगातार अभी तक जारी है। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी में मौजूद है। लोनी में बलराम नगर ये बूथ है, जहाँ जो ये लोनी का आदर्श बूथ इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अगर बता दें फिलहाल की स्थिति, तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है मतदान के लिए। कुछ लोग हैं जो वोट डालकर आए हैं, तो बात करते हैं कि भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता नाम है सर मेरा। अच्छा, वोट डालकर आए हैं? जी सर। उंगली जरा एक बार दिखा दीजिए। जी सर। वोट डालकर आए हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डालिए? सड़क सुरक्षा, काम और रोजगार, यही हमारे मुद्दे हैं। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे, तो डेवलपमेंट। क्या नाम है? राहुल गुप्ता। वोट डाल कर आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? जी, डेवलपमेंट इज द मेन मुद्दा है, तो उसी के बेसिस पे डाल के आए हैं। मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी को। तो ये हैं जो लोग यहाँ पर वोट डालने, ये लोग जो वोट डालने यहाँ पर आए हैं और अपने जो इन्होंने मुद्दे बताए उनको लेकर ही वोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित में वोट करने की बात लोग कर रहे हैं। यशपाल कसारा, न्यूज स्टेट लोनी, गाजियाबाद। अलीगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है,
आइए देखते हैं। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव इस समय चल रहा है, यहाँ तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं जो है तमाम जो है अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि इनके जो मन में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। जी बताइए, आप वोट डालने आई हैं जी, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, आपसे जानना चाहते हैं क्या और क्या करें, महंगाई हो रही है, नहीं महंगाई भी कम होनी चाहिए, रोजगार कम है तो वो भी होना चाहिए, कहाँ इंसानों के लिए बस अपनी ये तो हो सही तो हो अपनी हो, गरीबों के लिए तो कुछ भी सुविधा नहीं है ना। क्या मानती किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए सरकार? गरीबों के लिए तो कुछ सुविधा नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, आप लोगों को नहीं मिल रही क्या? वो नहीं मिल रही हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी है नहीं आदमी की कमाई में, रोजाना का लिया है 200 लिया है 300 लिया है, उसमें कोई गुजारा होता है वो भी महीने का किराया आ जाता है। मेरा वोट नहीं आया है। अच्छा चलिए, तो क्या आपने वोट बनवाया नहीं था क्या? बनवाया लेकिन धोखाधड़ी करी है हमारे साथ में, बहुत बड़ी फ्रॉड करा लोगों ने। कैसे? मेरा कुछ करना चाहिए, जैसे जहाँ पानी नहीं है, सड़कें खराब हो रही है, इधर एक्सीडेंट होते रहते हैं सड़कों की वजह से, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए 24 घंटे, बस अच्छी सरकार होनी चाहिए बस, इसकी भी आय सही है। किस तरह के मुद्दे हैं दिमाग में? यही है कि राशन मिले सबको और नौकरी मिले सब, ये चीज तो देखिए तमाम महिलाएं थी, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमको ऐसी सरकार चुननी है जो कम से कम बेरोजगारी और लोगों को राशन और तमाम जो है नौकरी की तमाम सुविधाएं और सड़कें नाली बिजली तमाम ऐसी समस्याएं हैं इनके दिमाग में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके द्वारा मतदान करने की बात कही जा रही है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।